नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार स्टेट 2024 को लेकर कई सारी वेबसाइट पे जो है अभी अपडेट देखने को मिल रही थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे जो है हमें ये चीज़ें भी शेयर भी कर रहे थे कि आपकी बिहार स्टेट 2024 की जो परीक्षा तिथि है उसके अंदर एक नया मोड देखने को मिल रहा है। साथ ही एडमिट कार्ड को लेकर कुछ चीज़ें अभी चेंज हो रही है, और एग्ज़ाम सिटी सेंटर को लेकर कुछ नए नियम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है बिहार स्टेट 2024 से रिलेटेड, कि क्यों आचार संहिता के चलते और कई सारे एग्ज़ाम जो अभी क्लैश कर रहे हैं, और बिहार बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के चलते, और ये परीक्षा तिथि के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मिलने वाली है। वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स बिहार स्टेट के अंदर इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कुछ बेसिक लेवल पे है, कुछ अभी जीरो लेवल पे है, तो ये वो छह चीज़ें हैं जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमें पुराने पेपर विथ आंसर विथ सॉल्यूशन चाहिए, पूरा एग्ज़ाम का एनालिसिस जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा जो है पूछ रहे थे कि पिछली बार कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहा था, कैसे क्वेश्चन आए थे, तो वो हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। मॉक टेस्ट भी लेकर आ चुके हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिस प्रकार से बिहार स्टेट के पिछली बार पेपर हुए थे। और जो छात्र बोल रहे थे ना कि शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स के नोट्स चाहिए क्योंकि हमें लंबे पैराग्राफ याद करने में दिक्कत आती है, उनके लिए विशेष तौर पे शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स के नोट्स, पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन करने के लिए जो है कंप्लीट नोट्स भी है इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा जरूरी है ऑल टाइम रिपीटेड वन लाइनर के वो प्रश्न जो परीक्षा के अंदर बिहार स्टेट के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए, और हर बार प्रश्न देखने को मिलते रहे हैं। 170 पेज की PDF और हैंड रिटन फॉर्मूला, बिहार स्टेट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में 99 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए, यह पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। इस ऑफर में लेने का प्रोसेस एकदम सिंपल है, आपको हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जाना है और वहां पर जाकर जो है वो बिहार स्टेट लिखकर मैसेज कर देना है। अब ध्यान से देख लेना व्हाट्सएप के नंबर जो आपकी अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 911-913-9429। इसके अलावा व्हाट्सएप की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। देखिए, अब एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से क्लियरली बात करेंगे। सबसे पहले बिहार स्टेट 2024 के अंदर अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है कि अभी आपको पता है 20 मार्च से जो है आपकी आचार संहिता लागू हो रही है। 2 महीने तक ये जो है टोटल आपके चुनावी प्रक्रिया जो है वो 2019 के बाद में 2024 की चलने वाली है। तो इसके चलते जो है यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि परीक्षा तिथि यहाँ पर हो सकती है पोस्टपोन, क्योंकि उन्होंने जो है स्टूडेंट्स ने ट्विटर के माध्यम से कई सारी जानकारियाँ इकट्ठी की है, कहीं कहीं गूगल पे जो जैसे कि मैंने बताया कुछ ऐसी वेबसाइट है जो इंडियन एक्सप्रेस, जागरण, जो दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज एटीन, वहाँ पे स्टेट्स, बिहार स्टेट से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर भी जो है कई सारे स्टूडेंट्स के मन में भी डाउट है कि एडमिट कार्ड जो अभी देखने को मिल रहे थे तो उनमें क्या कुछ चेंजेस हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ क्लियरली कि ऑफिशियल वेबसाइट पर तो इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है, और जब तक जो है वो आपकी नई परीक्षा तिथि जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ना ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ जाती, तब तक के लिए जो है आप फिलहाल जो भी न्यूज़ पे या फिर ट्विटर के माध्यम से या फिर आपने कहीं कहीं पे जो है टेलीग्राम्स वगैरह पे देख रखे हैं, तो उन्हें आप उसको नज़रअंदाज कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए। एक बहुत बड़ा बदलाव जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम सिटी सेंटर को लेकर जो है कि 100 किलोमीटर के अंदर अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही है। साथ ही ये न्यूज़ भी देखने को मिल रही थी कि जो आपके ड्रेस कोड है उसको लेकर चेंजेस किया जा सकता है क्योंकि पेपर लीक की कोई भी घटना ना हो। और यहाँ पर साथ ही जो है रिपोर्टिंग का टाइम भी जो है वो अब बढ़ा दिया गया है कि आपको 1 घंटे पहले ही रिपोर्टिंग करवानी होगी, जब आप गेट बंद करने का जो समय होता है एग्ज़ाम के लिए उसको लेकर चीज़ें भी देखने को मिल रही थी। तो आप सबके लिए जैसे कि मैंने बताया अभी फ़िलहाल के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो है आर्टिकल्स जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता उसका इंतज़ार करना है। और बेस्ट स्ट्रेटजी, जो भी छात्र इस बार जो बिहार स्टेट के अंदर हर हाल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपको पुराने पेपर अच्छे से एनालाइज करना है। 70% तक चीज़ें जो है पुराने पेपरों में से देखने को मिलती है। PYQ इतने इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पिछली बार बिहार स्टेट का कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहा था, कैसे क्वेश्चन आए थे, वो आप एनालाइज करके ही पता कर सकते हो, तो वो आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के, शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स के नोट्स, जैसे कि मैंने बताया लंबे पैराग्राफ्स को अगर आपको जल्दी याद करना है तो शॉर्ट ट्रिक से आप अच्छे से याद कर सकते हो। साथ ही ऑल टाइम रिपीटेड वन लाइनर के वो प्रश्न जो परीक्षा के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, 170 पेज की PDF और हैंड रिटन फॉर्मूला, ये बिहार स्टेट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल फिलहाल के लिए आपको केवल और केवल नाम मात्र के शुल्क में, आप देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें जो है वो केवल और केवल सिर्फ 99 रुपये में आपको जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और लेने का प्रोसेस जो है वो एकदम सिंपल है, बस आपको व्हाट्सएप के ऊपर जाना है और व्हाट्सएप के ऊपर जाकर जो है वो बिहार स्टेट लिखकर जो है मैसेज कर देना है। अब व्हाट्सएप के नंबर भी ध्यान से देख लीजिए, 911-913-9429 है, और व्हाट्सएप की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब एक नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।